ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज का अत्यंत शुभ दिन नित्यानंद त्रयोदशी हम लोग जो हैं आज वो मना रहे हैं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, ठीक उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु निताई बलराम जी हैं। जैसे पहले भगवान राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम, उसी तरह से कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण बलराम है। व्रजेंद्र नंदन ये सची सुता होइलो से, जो व्रजेंद्र नंदन है, जो व्रज के नंदन है, कृष्ण भगवान है, वो कलयुग में सची माता के पुत्र के रूप में उन्होंने अवतरण लिया है, स्वयं भगवान आए हैं। व्रजेंद्र नंदन यही सची सुता होइलो से, बलराम होइलो निताई। और जो बलराम थे कृष्ण भगवान की लीला में, वो निताई नित्यानंद प्रभु के रूप में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ में भगवान राधा कृष्णा के प्रेम को बांटने के लिए स्वयं आते हैं। चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय अवतार कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है कि जो प्रेम धन कृष्ण का, राधा कृष्ण का प्रेम धन भगवान अत्यंत सुलभ से नहीं बांटते। जैसे जो हमारा बहुत बहुमूल्य कीमती धन होता है, हम क्या करते हैं, तिजोरी में उसको अलमारी में बंद करके रखते हैं, कोई बाहर नहीं रखता है, कूड़े करकट में नहीं रखता है, तिजोरी में हम लोग ताला लगा करके उसको बंद रखते हैं। तो वेदों में बताया गया है कि भगवान के कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम जो धन है, वो भगवान ने अचिर काल तक, बहुत समय तक तिजोरी में बंद रखा था। अब जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, भगवान ने वो तिजोरी खोल दी और कृष्ण प्रेम धन का सागर चैतन्य महाप्रभु जो है सारे संसार में बांटा। इसलिए रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि आप सभी अवतारों में अत्यंत वदन्याय करुणामयी है, सबसे ज्यादा करुणामयी है। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं। ये कृष्ण प्रेम स्वयं कृष्ण भगवान ने, जब 5000 साल पहले कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने भी कंडीशन रखी थी, अगर कृष्ण प्रेम चाहिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कोई कंडीशन नहीं देखी, इसलिए उन्हें महावदन्याय अवतार कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो तो वो अत्यंत सुलभ नहीं है। वो बिना नित्यानंद प्रभु की दया के, बिना निताई की कृपा के चैतन्य महाप्रभु की कृपा संभव नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी संभव नहीं थी, उन लोगों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा वो संभव हुई। जिन लोगों का त्याग चैतन्य महाप्रभु ने भी कर दिया था कि ये जगाई मधाई, वो इतने पापी लोग थे कि उन्होंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं था धरती के ऊपर जो उन्होंने ना किया हो, सब प्रकार के गलत काम किए थे। जगाई मधाई एक्चुअली ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, लेकिन पापियों के साथ में, इस प्रकार के नीच लोगों के साथ में मिल करके उनका भी जो है पूरा कैरेक्टर स्वभाव बदल गया था। तो अनेक प्रकार के कुकर्म उन्होंने किए थे, प्रोस्टिट्यूशन, जुआ, डकैती, सब प्रकार के गंदे कर्म वो करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु उनके पास में गए और उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत बढ़िया एक स्थान है, एक स्तर है, अगर यहां पर मैं ऐसे पापी लोगों को, जगाई और मधाई जैसे पापी लोगों को, अगर इनका उद्धार हो सके तो चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है वो रोशन होगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पापियों के उद्धार के लिए स्वयं कलयुग में आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि अगर इन लोगों को मैं कृष्ण प्रेम प्रदान कर सका तो मेरे स्वामी, मेरे मास्टर चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम प्रसिद्ध होगा कि वो महावदन्याय अवतार हैं, बड़े ही करुणामयी अवतार हैं। ऐसा सोच करके नित्यानंद प्रभु जो है हरिदास ठाकुर के साथ में जगाई मधाई के वहां पर पहुंचे। तो जगाई मदाई वहां पर दारू पीने में मग्न थे, तो इन्होंने जो है नीचे झुक करके नित्यानंद प्रभु ने जो है उनसे कहा कि तुम ये इतने प्रकार के पाप कर्म कर रहे हो, ये सब पाप कर्म छोड़ करके भगवान के नाम का जप करो, गोरंगा चैतन्य महाप्रभु के नाम का जप करो। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, अरे ये कौन होता है हमें दारू छोड़ने को कहता है। तो तुरंत जो है वहां पर कुछ ग्लास के पीस पड़े हुए थे, उठा करके सीधा नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर दे करके मारे, और तुरंत जो है उस समय उनके सर से खून निकलने लगा, खून की धारा बहने लगी। तो जब चैतन्य महाप्रभु को यह ज्ञात हुआ कि जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर वार किया है, ऐसा अपराध किया है, वो तुरंत अपना सुदर्शन चक्र लेकर के वहां पर आ गए और कहा कि आज जगाई और मधाई का इनका अंत निश्चित है। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने करुणामयी हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी जिनको दया प्रदान नहीं करना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार हैं, वो भी दया प्रदान नहीं करना चाहते थे, उनको भी दया प्रदान करने वाले नित्यानंद प्रभु ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु के जो है उन्होंने पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा, महाप्रभु कलयुग में आप जो है आपने व्रत लिया है कि आप किसी भी प्रकार का वेपन औजार नहीं उठाएंगे, केवल लोगों को कृष्ण नाम का प्रेम धन आप बांटेंगे।
तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि कृपा करके आप जो है इन्हें माफ कर दीजिए। तो नित्यानंदा प्रभु की करुणा के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को एक शर्त पर माफ किया कि मैं तुम्हारे सारे अपराध माफ कर दूंगा, लेकिन आज के बाद में ये गंदे कर्म तुम नहीं करोगे, आज के बाद में ये बेकार के जो फालतू के तुम काम करते हो, पाप कर्म करते हो, ये सब छोड़ दो, तब मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो उसके बाद में जो है जगाई मधाई धीरे धीरे भगवान का नाम लेकर के उनका जीवन शुद्ध हुआ, वो भगवान के महान भक्त बने। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि नित्यानंदा प्रभु जो है भगवान से भी ज्यादा करुणामयी है। अगर उनकी कृपा प्राप्त होगी तभी हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो आज का अत्यंत शुभ दिन है, इसलिए एक बहुत सुंदर जो है भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है नित्यानंद प्रभु के बारे में। उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं, थोड़ा वो समझेंगे, और एक उनका बड़ा ही, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का उनकी एक श्रेष्ठता है, उन्हें कहा जाता है अवधूत शिरोमणि। अवधूत का मतलब होता है जो भगवान कृष्ण के प्रेम में इतना पागल है कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, उनको अवधूत कहा जाता है। जैसे नित्यानंद प्रभु अवधूत होने के कारण कृष्ण प्रेम में इतने मग्न हैं कि कई बार अगर आप उन्हें देखेंगे कि वो दारू घर में घुसे हुए हैं तो हमें डाउट नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। अरे नित्यानंद प्रभु दारू घर में क्यों गए हैं? वहां पर भी कुछ प्लान लेकर के गए हैं कि किस प्रकार से ये दारू पीने वाले लोगों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया जाए। वो अगले क्षण क्या करने वाले हैं किसी को भी ज्ञात नहीं, इसलिए उन्हें अवधूत शिरोमणि कहा जाता है। तो उनका एक बहुत सुंदर महाप्रसाद का अद्वैताचार्य के घर में उन्होंने जो अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को महाप्रसाद के लिए बुलाया था। तो महाप्रसाद की एक लीला है, हम सभी भक्तों को भी शायद महाप्रसाद की लीला बहुत पसंद आएगी क्योंकि सब लोग वेट करते रहेंगे कब प्रोग्राम खत्म होगा और महाप्रसाद हम लोग जो है भगवान का खाएंगे। तो एक महाप्रसाद की लीला है, ये छोटे से दो हम लोग जो है पास टाइम उनको समझ करके समाप्त करेंगे, और अराउंड 9 बजे हम लोग जो है भगवान की महामंगल आरती करेंगे। महामंगल आरती के बाद में सबके लिए महाप्रसाद की लीला प्रारंभ हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा जो है सुंदर भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। वो कहते हैं नित्यानंदा प्रभु उनके चरण जो है कमल के समान है। निताई पद कमला, लेकिन ऑर्डिनरी कमल नहीं, भगवान नित्यानंदा प्रभु के चरण में इतनी शांति मिलती है कि करोड़ों चंद्रमा उनकी जो चांदनी होती है उनके द्वारा जो कूलनेस हमें प्राप्त होती है, जो ठंडाई हमें प्राप्त होती है। सवेरे क्या होता है, खासकर हुगली में हम लोगों ने देखा होगा, गर्मी बहुत बढ़ जाती है दोपहर के समय में। अभी जब गर्मी आएगी तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी हो जाती है, शाम होने के बाद में थोड़ी ठंडक होती है, लेकिन जब चांद उगता है, जब चंद्रमा आसमान में आता है, ठंड हो जाती है, वातावरण बड़ा शीतल हो जाता है।
एक चंद्रमा के द्वारा हमारा तन इतना शीतल हो जाता है, जरा सोचिए अगर करोड़ों चंद्रमा अगर आकाश में आ जाए एक साथ में, वो संभव नहीं है, तो कितनी शीतलता हमें प्राप्त होगी। तो जिस प्रकार मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि हुबली में गर्म धूप आती है, हमारा शरीर झुलस जाता है, पसीने आ जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसी प्रकार वेदों में बताया है इस संसार की धूप के कारण, इस संसार की अग्नि के कारण, इसे दावाग्नि कहा गया है, इस संसार की दावाग्नि से जो गर्माई निकलती है, हम संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के दुख भोगते हैं, उसमें झुलस रहे, परेशान है हम लोग बिल्कुल। तो जब हम लोग जिस प्रकार से परेशान हो जाते हैं, शाम आती है और चंद्रमा निकलता है, हमारे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है और हम लोग खुश हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस संसार में झुलसती हुई गर्मी, इस संसार के झुलसते हुए दुखों के द्वारा जो गर्मी हमें मिल रही है, जिससे हम लोग परेशान हैं, अगर उससे हम लोग शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है कि जा करके नित्यानंदा प्रभु के चरण कमल की छाया में शेल्टर ले लो, आश्रय ले लो, उनके चरण कमल की छाया, छतरी के बराबर है। कमल जो होता है आपने देखा होगा छतरी के जैसा होता है, जब बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो हम लोग छतरी लेकर के जाते हैं, तो उनके चरण कमल की छाया में इतनी शीतलता मिलेगी कि करोड़ों चंद्रमा भी उसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, कोटि चंद्र करोड़ों मून चंद्रमा के बराबर शीतलता हमें प्राप्त होगी। ए छाया जगत जुराए, जगत इस जगत से जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो अनेकों प्रकार की हमें जो है पीड़ाएं हो रही है, दुख प्राप्त हो रहे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए, जुराए का मतलब होता है छुटकारा पाने के लिए, ए छाए उनके चरण कमल की छाया में हमें जो है आश्रय लेना चाहिए। तब हम लोग सोचेंगे फायदा क्या है, ठीक है हमें सांसारिक पीड़ाओं से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन सांसारिक पीड़ाओं से छुटकारा मिलने मात्र से थोड़ी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए हमें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, हिमालय जाना पड़ेगा, व्रत करने पड़ेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि उन सब की भी जरूरत नहीं है, नित्यानंदा प्रभु के चरण कमल की छाया में अगर हमने आश्रय ले लिया है तो भगवान राधा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर नहीं लिया है तो तुम हिमालय में भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, अनेकों प्रकार के वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होने वाली नहीं। आगे कहते हैं, हिनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई, राधा कृष्ण पाईते नाई, अगर हम चाहते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, हिनो निताई बिने भाई, बिना नित्यानंदा प्रभु की चरण कमल के आश्रय के राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं तुम लोग सब लोग दृढ़ता के साथ में नित्यानंदा प्रभु के चरण कमल को जोर से पकड़ लो, छोड़ो मत बिल्कुल, दृढ़ता के साथ में पकड़ लो। दृढ़ कोरी धरा निताय पाय, दृढ़ता के साथ में उनके चरण कमल को पकड़ लो। आगे कहते हैं कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इस संसार में मैंने अत्यंत विद्याएं प्राप्त की, वेदों का पठन किया है,
सब कुछ किया है, क्या उसके बाद भी मुझे जरूरत है? क्या उसके बाद भी मुझे जरूरत है कि नित्यानंद प्रभु के साथ कुछ संबंध रखना है? तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जिस व्यक्ति का नित्यानंद प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है उसका मानव जीवन बेकार है। आगे तो उतना भी कहते हैं, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। और कैसा पशु है? छोटा मोटा पशु नहीं है, दुराचार पशु है। तो कहते हैं, से संबंध नहीं जार, भृता जन्म गेलो तार। भृता का मतलब होता व्यर्थ, जन्म गेलो तार। से संबंध नहीं जार, जिस व्यक्ति का संबंध नित्यानंद प्रभु के साथ में नहीं है, भृता जन्म गेलो तार, उसका मानव जीवन बिल्कुल बेकार है। और जैसे मैंने बताया, अगले पंक्ति में कहते हैं, शेई पशु बड़ा दुराचार। ये पशु वो मनुष्य नहीं है, पशु है। और कैसा पशु है? दुराचार। क्यों दुराचार पशु कहते हैं? क्योंकि लायन जो होता है, जो शेर है, उसको भी आप दंड दे करके काबू में कर सकते हो, लेकिन जो दुराचार मनुष्य है उसको काबू में करना बड़ा मुश्किल। तो कहते हैं, उस व्यक्ति की व्यथा उस प्रकार की है, जो व्यक्ति का संबंध नित्यानंद प्रभु के साथ में नहीं है वो दुराचार पशु है, वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड पशु है, उसका मानव जीवन व्यर्थ है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं उसके बारे में। नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं, विद्या कुले की करी बेता। ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध नित्यानंद प्रभु के साथ में नहीं है, उसके पास में पीएचडी की डिग्री क्यों ना हो, अनेकों वेद वेदांत क्यों ना पढ़े हो। विद्या, विद्या का मतलब होता है वेद वेदांत की सब विद्या भी उसके पास में क्यों ना हो। कुले, अच्छे जन्म, अच्छे घराने में उसका जन्म भी क्यों ना हुआ, ब्राह्मण के घर में भी जन्म क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका नित्यानंद प्रभु के साथ में संबंध नहीं है तो अच्छे घर में जन्म और विद्या दोनों व्यर्थ है, बेकार है। आगे कहते हैं, क्यों व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर के भी, मानव का जन्म लेकर के भी, फिर हम लोग कहेंगे कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है इसका मतलब, लेकिन अगर हम मानव जीवन में भी नित्यानंद प्रभु के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की कृपा को नहीं समझेंगे, मानव जीवन व्यर्थ है। तो क्यों व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ करता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण है कि लोगों को हम लोग कृष्णा भावनामृत प्रदान करते हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते, फिर भी लोग नहीं ग्रहण करते हैं, क्या कारण है? तो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं, अहंकार मत्ता हया निताई पदा पसारिया। अहंकार की दारू पी करके मत हो गया है, जैसे हम लोग दारू पी करके पागल हो जाते हैं। पागल व्यक्ति को आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दो, कुछ नहीं सुनेगा। तो इसी प्रकार से अहंकार के द्वारा जो व्यक्ति मत हो गया है, पागल हो गया है, वो नित्यानंद प्रभु के चरण को छोड़ देता है। निताई चरण पसारिया, पसारिया मतलब छोड़ देता है। पर ऐसा क्यों होता है? असत्य रसत्य कोरी मानी, वो इल्यूजन में है। जैसे व्यक्ति, अगर आप समझिए, किसी व्यक्ति ने दारू पी है तो मोह में होता है, इल्यूजन में होता है। कहीं पर रास्ते में जाएगा, किसी सुंदर स्त्री को देखेगा और लोगों से कहेगा देखो मेरी रानी है यहां पर। किसी बड़े घर को देखेगा और कहेगा ये मेरा पैलेस है, ये मेरा राज्य है, किंगडम है, राज है। क्यों? इल्यूजन में है। लेटा हुआ सड़क के ऊपर है लेकिन सोच रहा है मैं महल में पड़ा हूं, वो इल्यूजन है।
तो आगे नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं ये क्यों है, असत्य सत्य कोरी मानी, ये इल्यूजन क्यों है, हमारे सामने ये मोह क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि असत को सत मान लिया है हम लोगों ने। ये शरीर असत है, ये संसार असत है, इसको सत्य मान करके बैठे हैं। यहां पर हमें परमानेंट जिंदगी जीनी है, कोई यहां पर ठहरने वाला नहीं है। हमने देखा है मेरे दादा चले गए, परदादा चले गए, सब जाकर के चले गए, मैं यहां पर रहूंगा, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, ये हम लोग सोचने में लगे। असत्य सत्य कोरी मानी, आगे कहते हैं निताएर करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। अगर नित्यानंद प्रभु की करुणा प्राप्त हो गई तो क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, करेक्ट। चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के प्राप्त नहीं होगी, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो ब्रज में राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। निताये करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताय चरण दुखानी। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए बड़े ही दृढ़ता के साथ में नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ लो। आगे कहते हैं, फिर कोई बोलेगा ठीक है आप कह रहे हैं इतना नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ लो, इससे पहले आपने बताया असत्य सत्य कोरी मानी, सारे संसार में सब कुछ असत है, हम उसको सत्य समझ करके बैठे हैं, कहीं ऐसा ही तो भ्रम नहीं हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ लिया, बाद में पता चला ये चरण भी असत्य है, तो भरोसा देते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इस संसार में केवल चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके चरण कमल सत्य है। तो आगे कहते हैं निता ये चरण सत्य ताहरा सेवक नित्य, और उनके जो सेवक हैं वो नित्य हैं, वो असत नहीं है। जो भी चैतन्य महाप्रभु के संगी गणे हैं, चाहे वो नित्यानंद प्रभु हो, अद्वैता आचार्य हो, श्रीवास ठाकुर हो, जितने भी भगवान के सेवक हैं सब सनातन हैं, सब सत्य हैं। तो इसलिए कहते हैं निताई पदा सदा करो आशा, इसलिए हमारी आशा क्या होनी चाहिए, ये संसार होपलेस है, एकमात्र आशा जो है भगवान के चरण कमल है। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल अगर हमने पकड़ लिए तो हमारी आशा बढ़ जाएगी, अन्यथा हम इस संसार में धन दौलत को पकड़ेंगे, निराशा मिलेगी। इस संसार में अपने देश को, अपनी फैमिली को, जितने भी असत चीजों को पकड़ेंगे केवल निराशा प्राप्त होगी। लेकिन अगर भगवत चरणों को पकड़ लेंगे तो हमें निराशा प्राप्त नहीं होगी। आगे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर हमारे जैसे जीवों का एक जो है रूप धारण करके प्रार्थना कर रहे हैं। नरोत्तम वरो दुखी निताई मोरे करो सुखी, कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं अत्यंत दुखी हूं, हे नित्यानंद प्रभु आपकी कृपा प्रदान करके मुझे सुखी करो। राखो रंग चरणे रपाश, और कहते कि भगवान अपने चरण कमल से मुझे कभी भी दूर मत करो, हमेशा आपके चरण कमल के पास में मुझे स्थान दो, आपके चरण कमल धूलि में मुझे स्थान दो। तो ये नित्यानंद प्रभु की करुणा है।